आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो चुका है। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है। जब खबर एनडीटीवी की टीम बदरपुर के वार्ड 98 जनता का मूड जाने पहुँची तो वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। नगर निगम का चुनाव आने वाला है और ऐसे में हर कोई अपनी पार्टी के आलाकमान के पास जाने लगे हैं नगर निगम पार्षद के टिकट के लिए। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको टिकट मिलता है, लेकिन इस समय हम दिल्ली के जैतपुर के खड्डा कॉलोनी के वार्ड 98S में मौजूद है, जो कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आइए हम जैतपुर की ही जनता से जानते हैं कि अब की बार वो टिकट किसे दिलवाना चाहते हैं और पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर। सिकंदर जी, ये बताइए, आप यहीं के निवासी हैं जी, किसको पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं आप? इस आम आदमी पार्टी गीता नागर। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से कई कैंडिडेट जो हैं खड़े हुए हैं, तो फिर क्या लग रहा है आपको कि सारे कैंडिडेट में से किसको टिकट मिलेगा? जहाँ तक उम्मीद है गीता नागर जी की है। गीता नागर जी को क्यों? और तो कई सारे हैं, कई अच्छे सारे काम बढ़िया कराती हुई आ रही हैं। सड़क भी बनवाई उन्होंने, काफी काम अच्छे हो रहे हैं। ना होने के बाद बावजूद भी उन्होंने मार्केट में सत्ता में ना होते हुए भी उन्होंने कई अच्छे काम करे हैं। काफी अच्छे काम किए हुए हैं उन्होंने और अच्छे आगे भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए आप गीता नागर ही आ गए। सर आपका क्या नाम है? आवेश। आप भी यहीं के निवासी, इसी वार्ड के जी? आपको क्या लग रहा है कि हम सीडी में अब की बार किसका माहौल है? गीता नागर का जी। कौन यहाँ की जनता के लिए बेहतर काम करेगा? गीता नागर ने सब काम बढ़िया करे ना, यहाँ पर मार्केट में भी सब कुछ बढ़िया करा। तो गीता नागर को ही टिकट मिलना चाहिए, आप पार्षद के रूप में उन्हीं को देखना चाहते हैं। और भी यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है एमसीडी में। सर एमसीडी का क्या माहौल है अब की बार, कौन आ रहा? बढ़िया है, गीता नागर आई। गीता नागर, किस पार्टी से आप गीता नागर को पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और भी कैसा, क्या नाम है चाचा आपका? शकील भाई। आप भी यहीं के निवासी हैं? सब लोग बोल रहे हैं कि अब की बार हम गीता नागर को आम आदमी पार्टी से देखना, तो आपको क्या लग रहा है? उन्हीं को ही लाना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं सब? सही बोल रहे हैं सब, सही। उन्हीं को लाना चाहते हैं। अच्छा, की सरकार नहीं चाहिए बस। यहाँ के पार्षद का रवैया कैसे है? सही नहीं। सही नहीं? 5 सालों में उन्होंने कितने काम कराए हैं? कुछ भी ना कराया, अभी तो इनके लिए सोच रहे हैं कब बुलाने के लिए। कभी जनता के बीच आए हाल चाल पूछने? नहीं, कोई नहीं। भाभी जी, कौन आ रहा है आपकी पार्षद में, मेन सिटी में? गीता नागर। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है पूरा गीता नागर को लेकर के है, हर कोई गीता नागर को ही पार्षद के रूप में देखना चाहता है। क्या लग रहा है आंटी, अब की बार कौन आएगा एमसीडी में, किसकी जीत होगी? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के तो ये लोग बोल रहे हैं कि दूर दूर तक कोई माहौल ही नहीं, नहीं आएगा कांग्रेस। कांग्रेस ही आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका अपना अलग अलग मत है कि कोई कह रहा है हम कांग्रेस पे भरोसा करते हैं, तो कोई कहता है हम बीजेपी पर भरोसा करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार हमें एमसीडी में बदलाव चाहिए इसलिए हम आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको टिकट मिलती है और कौन यहाँ की जनता के लिए बेहतर काम करता है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।